हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे जो आपका 5 अप्रैल को RRB NTPC का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है ना। उसमें मुझे जीके के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। वीडियो काफ़ी डिले है, बट फ़ायदा यही है कि आपका क्वेश्चन सारे रियल हैं और सारे क्वेश्चन आपके लगभग लगभग मिल गए चुके हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया है, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या फिर क्वेश्चन आपको सही लगे तो भी कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूएनओ के पहले सचिव, यूएनओ के जो पहले सचिव रह चुके हैं वो किस देश के थे, है ना। तो वो थे नॉर्वे के, नाम क्या था, त्रिवेली, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जनरेटर जो है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो मैं आपको जनरेटर मोटर दोनों समझा देता हूँ। देखिए जनरेटर में क्या करते हो आप, डीजल वगैरह डालते हो, तो मैकेनिकल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस में ये, जब आप डीजल वगैरह डालते हो तो बल्ब जलने लगता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपके ऑप्शन में दिया होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अच्छा, और जो आपका क्या कहते हैं मोटर होता है, मोटर में क्या करते हो आप, पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फिर पानी निकल आता है, किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल में, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से जो जनरेटर हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल इनटू मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, माचू पिच्चू जो है वो किस देश में है, तो आपका पेरू में है, किस देश में है, पेरू, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, तो रैम आपके ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला पूछा गया था, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो डी गुकेश, ऑप्शन में दिया हुआ था, डी गुकेश, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे एक झूल से पूछा गया था, कि जो आपका पूछा गया था सिंपल कि पूछा गया था आपका कि जो सोमोक झील है ना, जो सोमोक झील है वो किस राज्य की है, तो आपके सिक्किम दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, बताइएगा आया था कि नहीं आया था, क्योंकि स्टूडेंट ने केवल भेजा था, मैं क्रॉस चेक भी नहीं कर पाया, भूल गया। तो सोमोक झील कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। अब आप बता दीजिएगा आया था या नहीं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रोजन की सांद्रता सर्वाधिक किस में है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग PH4 दिया हुआ था, जो कि आपका एकदम करेक्ट है, तो PH4 पे टिक करना था। अगला क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था, तो 1927 में लागू हुआ था, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, राज्य चुनाव आयुक्त अपॉइंटेड बाय, राज्य के जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ज्वाइंट क्या है, तो आपका नी हो जाएगा, नी ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, भारत में सर्वप्रथम आय का आकलन किसने करवाया, तो सॉरी दादा भाई नरोजी आपके ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय मानक रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपके ऑप्शन में बिहार दिया हुआ था, बिहार बहुत से राज्यों से नहीं गुजरती है, बट बिहार जो दिया था आपके ऑप्शन में वही हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिक्किम, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिक्किम और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा के ऑप्शन में था, जो कि एकदम करेक्ट है। मोहन जोदड़ो का अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन जोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था GDP, है ना, इसकी आपका वो पूछा गया था, क्या कहते हैं, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ आया था, है ना। तो अब डेफिनेशन इसकी नॉर्मल यही होती है, किसी देश का एक साल में उत्पादित जो कुल मूल्य, कुल वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य जो होता है, वही आपका क्या होता है, GDP होता है। तो ऐसे कोई रिलेटेड कोई ऑप्शन रहा हो तो उस पर अगर आप टिक किए हैं तो एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो HC मुखर्जी ऑप्शन में दिया था, जो कि एकदम करेक्ट है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु, मतलब चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली कहाँ पे मारी थी, ठीक है ना, तो ये इलाहाबाद आपके ऑप्शन में था, कानपुर भी था, तो जो कि इलाहाबाद एकदम करेक्ट है, इलाहाबाद के एक पार्क में उन्होंने खुद को गोली मार लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेशनल वाटरवे 1 है ना किसको किससे जोड़ता है, तो इलाहाबाद से
हल्डिया को, या फिर आपका प्रयागराज से हल्डिया को आपका नेशनल वाटरवे 1 जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन मैच कर रहे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन फॉर्म, मतलब ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपके ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट दिया रहा होगा या कार्ब दिया रहा होगा, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने वाला तीसरे खिलाड़ी का नाम पूछा था, जो रिसेंट में लगाया है उसका नाम क्या है, पोलार्ड। ठीक है, कि काइरन पोलार्ड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली जो है वो किस देश से ली गई है। ये थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं, ये आया था क्वेश्चन या नहीं, और आई थिंक ये ब्रिटेन होना चाहिए। अगला, एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये वायलिन वादक हैं। ये भी आपसे पूछा गया था, एन राजन वायलिन वादक। ठीक, चलिए कट के लिए आपका पूछा गया था शॉर्ट की, कट के लिए, कट और पेस्ट के लिए, तो मैं बता देता हूँ। कट के लिए जो होता है वो कंट्रोल प्लस एक्स होता है, और पेस्ट के लिए वो जो होता है कंट्रोल प्लस वी होता है, और कॉपी के लिए आपका जो होता है कंट्रोल प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट की पूछे जाए तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो कट आई थिंक पूछा था तो कंट्रोल प्लस एक्स होगा। ठीक, पेस्ट पूछता तो कंट्रोल प्लस वी होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट अगर जो कनेक्ट करना है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, तो कंप्यूटर में अगर इंटरनेट चलाना है तो कैसे चलाओगे, तो मॉडम के थ्रू चलेगा। किसके थ्रू, मॉडम। तो कंप्यूटर इंटरनेट मॉडम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में। कन्फ्यूज मत होना, हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। फाइयान भी जान लीजिए, एक स्टूडेंट ने बताया था, मुझे नहीं लगता ये आया होगा क्योंकि मैं क्रॉस चेक किया हूँ, यही आपको करेक्ट करना था। फाइयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। भौतिकी अनुसंधान केंद्र है ना, PRL जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा गया था, तो अहमदाबाद करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत जब हुई थी वो कब हुई थी, तो 2018 में, या ऐसे भी पूछा गया हो सकता है 2018 में कौन से गेम की शुरुआत हुई, तो खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, यूपी में जो संगम होता है किन नदियों का होता है, तो गंगा यमुना और सरस्वती का होता है। ठीक है, अगला पूछा गया था रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है यूके या फिर ब्रिटेन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल सिविल एविएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, तो ये थे गाइस क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, और सारे क्वेश्चन आपको देखे होंगे अगर पूरी वीडियो लास्ट तक, तो आपको सारे क्वेश्चन रियल भी लग रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसके ऊपर वर्क किया, काफ़ी क्वेश्चन कलेक्ट किया, फिर उसको क्रॉस चेक किया, फिर वीडियो बनाया, फिर अपलोड किया। तो गाइज आपको अगर लगा हो कि सारे क्वेश्चन सही हैं और आपको मेरी मेहनत कुछ समझ में आई हो, तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो मिलती रहे। और साथ साथ यहाँ पर मैं आप लोगों की खाली पेपर एनालिसिस ही नहीं कराता, बल्कि यहाँ पर आपको रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है। रीजनिंग की 11 घंटे की लगातार वीडियो आ चुकी है, रीजनिंग रामबाण वीडियो आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, या फिर आप चैनल पर खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, ना मिले कमेंट करिएगा। और लगातार मैं चैप्टर वाइज भी क्लासेस करा रहा हूँ, 5 पार्ट आपका डायरेक्शन टेस्ट का हो चुका है, 6वां हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको अपकमिंग वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।